बढ़ते हैं एक और वॉइस मैसेज की जानिब। ये कोई काका साहब बकर से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक बखर से। मेरा सवाल ये है कि हमारे पास ना एक भैंस है जिसे हम जिसकी मसनवी नस्ल कशी करवाते हैं, लेकिन फिर वो हमला नहीं हमला करती। नहीं कुछ है। अरसे बाद फिर नस्ल कशी करवानी पड़ती है। फिर भी जब डॉक्टर से उसे चेक कराते हैं तो फिर भी बार बार वो हमला नहीं होती और फिर जाती। इसके लिए कोई मास्टर इलाज बताएं, मेहरबानी होगी। मेरी जान, ये नॉर्मली ये जो होता है ना, इसका रहम, उसका इलाज कराना पड़ता है। वो उसके रहम में ना डेफिनेटली कोई ना कोई मसला होगा। डॉक्टर को कहें कि इसके रहम में पैसरीज की, यूटिनॉल पैसरीज की गोलियां रखें, टिकियां, वो टैबलेट्स रखते हैं, वो रखवाएं। या अगर नहीं है तो इसको PPSLA या MP क्लॉक्स के 25-25 CC के 4 दिन इसके इंजेक्शन लगाएं, ताकि इसका रहम का इलाज सही हो जाए। कोई इन्फेक्शन होती है जिसकी वजह से वो ठहर नहीं रही, हमला नहीं हो रही देर तक, यानी कि रिपीट कर रही है। तो ये मेरी जान, पहले इसका इलाज करा लें, फिर उसके बाद एक दफ़ा वो जब हीट में आएगी तो वो मिस कर जाए। उसके अगली दफ़ा जब हीट में आए तो फिर आप AI कराएं, और वो भी आपको पता है 24 घंटे बाद कराना है। जब ये हीट में आ जाए तो AI अगर करानी है तो बेस्ट टाइमिंग्स वो 24 घंटे बाद भैंस का वो रखते हैं उसमें जो स्पंज हैं, तो ये रखा लें। और उससे पहले, जब टीका रखवाने से पहले, एक उसको डेलमार्लिन का इंजेक्शन ज़रूर लगा लें 1 घंटा पहले। और जब उसके अंदर रखवाएंगे जो AI कराएंगे, तो उसके बाद फौरन 1 लीटर पानी में एक पाव मेहंदी, यह हिना जो होती है हाथों को लगाते हैं, मेहंदी 1 पाव, और एक चटांक जौ खार, और एक, और उसमें काफूर की या मुश्कपूर की 2-4 गोलियां वो भी डाल लें, और उसके बाद वो इसको पिला दें। इंशाल्लाह ठहरेगी अल्लाह के हुक्म से, और दुआ भी करूँगा कि आपका ये मसला हल हो जाए। और बहुत शुक्रिया।